सहारा इंडिया न्यू न्यूज 2023। सेबी ने भेजा सुब्रत रॉय सहारा को नोटिस, 15 दिन में जमा करनी होगी रकम। इसे न्यूज दुनिया पीवीटी लिमिटेड, मध्य प्रदेश की हिंदी न्यूज, मध्य प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज, एमपी न्यूज ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज 2023। सहारा समूह को एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी की फटकार पड़ी है, जहां सहारा समूह को करीब 15 दिन का समय दिया गया है। जानकारी के अनुसार 2009 में शुरू हुए ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ओएफसीडी पर विवाद के कारण सेबी ने अब सहारा को फटकार देते हुए जल्द 15 दिनों के अंदर 6.48 करोड़ रुपए की रकम लौटाने का आदेश दिया है। खबर है कि इस मामले में सेबी ने सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा को कल ही नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार बीती सहारा सेबी केस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को सहारा सेबी केस मामले में 3 जजों की बेंच ने सहारा को 1 महीने का हवाला देकर सहारा सेबी रिफंड खाते में 8000 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया है, जहां पर सहारा समूह को उस मामले में भी करीब 1 महीने का समय मिला है। जबकि अगर बात मार्केट रेगुलेटर की करें तो मार्केट रेगुलेटर ने 15 दिनों के अंदर 6.48 करोड़ रुपए का जुर्माना राशि जमा कराने की बात कही है। ऐसा ना करने पर सहारा समूह के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मार्केट रेगुलेटर के द्वारा कही गई है। सहारा के इन वरिष्ठों को नोटिस जारी। जानकारी के अनुसार सहारा समूह के 4 लोगों को सेबी के तरफ से फटकार देते हुए जल्द जुर्माना राशि जमा कराने की बात कही गई है, जहां पर सबसे पहले सुब्रत रॉय सहारा, अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे समेत वंदना भार्गव को जल्द सेबी के तहत जुर्माना राशि जमा कराने की बात कही गई है। ऐसा न करने पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं कराया जाएगा तो सहारा के बैंक खातों को फ्रीज कर अन्य कार्रवाई की जाएगी, वही कानूनी दांवपेच भी लगाए जाएंगे। सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज 2023 क्या है? सहारा इंडिया समूह को लगातार फटकार है एवं कानूनी कार्रवाई सता रही है, जहां पर एक तरफ सहारा के बड़े डायरेक्टर करुणेश अवस्थी इस समय मुरैना पुलिस की गिरफ्त में है, वही सहारा सेबी केस में भी लगातार सहारा को जोरदार फटकार पड़ रही है। इसी के साथ अगर बात सेबी की करें तो सेबी भी लगातार सहारा को जोरदार फटकार दे रहा है, जहां पर अब सुब्रत रॉय सहारा को 15 दिनों के अंदर जुर्माना राशि जमा कराने की बात सेबी की तरफ से कही गई है। ऐसा न करने पर सहारा पर कार्रवाई की जाएगी।